इंदौर में सालों से परंपरागत रूप से अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली झांकी को लेकर शहरवासियों को 2 साल से इंतजार है। झांकियों का निकलने वाला यह काफिला शहर को सालों से एक अलग पहचान देते आया है। वहीं मिल मजदूरों के द्वारा बनाई जाने वाली इन झांकियों को लेकर इंदौर के भाजपा नेता एकजुट नजर आए और आईडीए ने प्रत्येक झांकी निर्माताओं को 2-2 लाख की राशि झांकी निर्माण के लिए सौंपी है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मिल मजदूर झांकी कलाकारों को सौगात, आईडीए की तरफ से दिए गए 2-2 लाख रुपए। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने सौंपा चेक, विधायक रमेश मेंदुला ने की शिरकत, विधायक महेंद्र हाडिया ने सुनाए संस्मरण। आर्थिक राजधानी इंदौर में सालों पहले मिल मजदूरों ने झांकी निकालने की शुरुआत की थी। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले झांकियों के इन काफिले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वहीं मिलों के बंद हो जाने के बाद अब इस परंपरा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब इस काम के लिए नगर निगम के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण भी आगे आया है, जहां मिल मजदूर झांकी कलाकारों को इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए कि इंदौर की जो सांस्कृतिक विरासत और धरोहर उसको बनाए रखने के लिए जिन मिल और उन मिलों के जो संस्था हैं, प्रमुख लोग हैं, उन्होंने झांके निर्माण के लिए यहाँ एक आवेदन पहले से हर वर्ष जिस अनुसार इस बार भी दिया हुआ था, इंदौर विकास प्राधिकरण ने प्रतिवर्ष अनुसार उनको 2-2 लाख रुपए की राशि झांकी निर्माण के लिए दी है। ये प्रावधान हमने पिछली बोर्ड की बैठक में किया था और उसी के निमित्त आज हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय नगर अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक माननीय महेंद्र हाड़े जी, हमारे विधायक रमेश मेंदुला जी, मधु वर्मा जी, सुरसन जी, हमारे CEO रामप्रकाश जी, सबकी उपस्थिति में सब लोगों को बुला करके सम्मान के बतौर हमने 2-2 लाख रुपये के चेक यहाँ भेंट किया है। और ये जो इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर, इंदौर की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इस परंपरा है, इसको बनाए रखने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया है। आगे भी इंदौर विकास प्राधिकरण इस प्रकार के किसी भी सांस्कृतिक, चाहे वो गौरव दिवस हो, चाहे वो आनंद चतुर्दशी हो या गणेश उत्सव हो, उसमें हर प्रकार से उनके साथ खड़ा है। इंदौर की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो विरासत है, उसको बनाए रखने के लिए साथ ही साथ प्राधिकरण की अपनी एक भी झांकी रहने वाली है, उसके लिए भी प्राधिकरण ने 8 लाख रुपए सेंक्शन किए हैं। तो वो झांकी के रूप में हमारे जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो इंदौर के विकास को गति देने वाले हैं, उनके साथ प्राधिकरण भी उसमें भाग लेने वाला है। इस मौके पर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट नजर आए और उन्होंने झांकी की कार्रवाई को निकालने में पूर्ण सहयोग का भी वादा किया। वहीं इस दौरान विधायक महेंद्र हाडिया ने झांकी की परंपरा को लेकर अपने संस्मरण साझा किए। कितने वर्षों से हम जब देखो झानी जब से बहुत संभाला तब से इन झांकियों का चलन में स्वयं देखता है और इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास पूरे मालवा क्षेत्र से दूर दूर से लोग झांकी देखने आते हैं। क्योंकि अब मिल बंद हो गए हैं और एक सबसे बड़ी आर्थिक समस्या आप लोगों के सामने है वो झांकी का निर्माण करने की और झांकी को जनता को दिखाने की। नगर निगम सहयोग करता है, विकास प्राधिकरण सहयोग करता है, अन्य कई ऐसी संस्था है, कई विधायक भी विधायक शिक्षा अनुदान से अनुदान देते हैं और इसमें जो मुख्य पार्ट है अनुदान देने का ये इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर नगर निगम करता है। और हमारे जयपाल जी ने दायित्व निर्वहन करते हुए आज एक बड़ी राशि इस परंपरा के निर्वहन के लिए आप लोगों को दी है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी आपको और धनराशि की आवश्यकता पड़ती होगी, जिसमें आप अपने स्वयं के सोर्सेज से आम जनता से भी सहयोग करके इस निर्माण कार्य को करते होंगे। वास्तव में ये इंदौर की आन मान शान है, इंदौर की पहचान है और इस पहचान को कायम रखना हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदुला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया समेत आईडीए सीईओ और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।